नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। सरकार चाहे किसी की भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मैं मंत्री पद की शपथ लेता रहूंगा। जी हाँ, आपने समझ ही लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की बागडोर संभालने वाले राम विलास पासवान ने 2019 में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। जैसे ही शपथ ग्रहण के लिए राम विलास पासवान का नाम पुकारा गया, टीवी पर चिपके लोगों के चेहरे पर एक बार फिर बरबसी मुस्कान दौड़ पड़ी। एक बार फिर राम विलास पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और बिहार के जाने माने नेता राम विलास पासवान ने इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अभी वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, फिर भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राम विलास जी को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनका गणित ठीक ठाक रहता है। सिर्फ एक बार गड़बड़ हो गया था 2009 में राम विलास पासवान अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव हार भी गए थे और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ भी दिया था। हालांकि बाद में लालू प्रसाद की कृपा से राम विलास पासवान जी राज्यसभा तो पहुंचे, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। 2004 में बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में राम विलास पासवान केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। उसके पूर्व वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी कई विभाग संभाल चुके थे। राम विलास पासवान 1996 से लेकर 1998 तक रेल मंत्री, 1999 से 2000 तक सूचना प्रसारण मंत्री, 2001 से 2002 तक खनिज मंत्री आदि का पदभार भी संभाल चुके हैं। राम विलास पासवान अपनी पार्टी से ज्यादा अपने परिवार का काफी ख्याल रखते हैं। उनके बेटे चिराग पासवान दूसरी बार भी जमुई लोकसभा सीट से लोकसभा के सदस्य बनने में कामयाब हुए हैं, तो वहीं उनके एक भाई रामचंद्र पासवान भी सांसद हुए हैं। उनके तीसरे भाई पशुपति कुमार पारस भी इस बार उनकी छोड़ी हुई हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बन गए। इसके पहले राम विलास पासवान ने अपने भाई पशुपति कुमार पारस को नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और एमएलसी भी बनवाया था, क्योंकि उनके भाई बार बार विधानसभा का चुनाव हार जाते थे। अब राम विलास जी खुद राज्यसभा की जाने की तैयारी में हैं, यानी कि एक पुत्र दो भाई लोकसभा के सांसद और स्वयं राज्यसभा के सदस्य। एक परिवार से चार सांसद होना कोई मामूली बात नहीं है। ये विलक्षण गुण सिर्फ राम विलास पासवान में ही है। धन्यवाद।